बैतूल जिले में निरंतर बढ़ रहे हैं महिलाओं व नाबालिग बच्चियों के साथ हैवानियत के केस और अन्य मामले। हम बताते हैं जिले की कुछ प्रमुख घटनाओं को। भैंसदेही, जिले में फिर एक 3 साल की मासूम से दुराचार। आरोपी के घर में खेल रही थी मासूम, आरोपी ने छत पर ले जाकर की हैवानियत, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बैतूल में दुराचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला बैतूल के भैंसदेही से आया है, जहां 3 साल की मासूम के साथ दुराचार होने की घटना सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि भैंसदेही के समीप एक गांव में बुधवार को 3 साल की मासूम बच्ची के साथ गांव के ही 28 साल के युवा उमा शंकर अमरूते उर्फ गोलू ने दुष्कर्म किया है। बच्ची की मां ने इसकी शिकायत थाने में आकर दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि आरोपी उमा शंकर अमरूते के भतीजे के साथ में बच्ची उसके घर खेलने गई थी, तभी आरोपी ने मासूम को छत पर ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। घटना के बाद बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची। परिजनों ने बच्ची से पूछताछ की तो उसने घटना के बारे में परिजनों को बताया, जिससे परिजनों के भी होश उड़ गए। 3 साल की मासूम के साथ दुराचार करने की घटना के बाद गांव के ग्रामीणों में भी आक्रोश देखा गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। SDOP शिव चरण बोहित का कहना है कि मासूम बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी उमा शंकर अमरूते के खिलाफ 376 पास्को एक्ट सहित अन्य विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2-3 माह के अंदर बैतूल जिले में हुई कुछ प्रमुख वारदातें जो पुलिस पर एक सवालिया निशान खड़ा करती हैं। 15 मार्च को चिचोली के सिंदुरजना से 3 वर्ष की मासूम बालिका को अगवा कर लिया गया था। लगभग 1 माह बाद मामले का खुलासा हुआ, जिसमें आरोपी ने कबूल किया कि बालिका के साथ बलात्कार कर उसे जंगल में मारकर फेंक दिया गया था। आरोपी की निशानदेही पर बच्ची का कंकाल बरामद कर लिया गया था। इसी तरह 9 मार्च को सदर से 2 बच्चों को अगवा कर चिखलार के झरने में डुबोकर मार देने की घटना घटित हुई। इसी प्रकार अप्रैल के ही पखवाड़े में पाढ़र ग्राम के पास 7 युवकों ने एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इसी तरह जिले में बहुचर्चित एक और मामला सामने आया, जिसमें माँ बाप से बिछड़ी एक नाबालिग से बैतूल में देह व्यापार कराने का सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ। उसी प्रकार शाहपुर में पदस्थ एक पुलिस आरक्षक द्वारा अपनी भांजी के साथ बलात्कार का मामला भी प्रकाश में आया, तथा 1 जून को चोपना थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या का मामला भी प्रकाश में आया, जिसने जिले में सनसनी फैला दी। हत्यारे आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बैतूल जिले में बढ़ते अपराधों को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि बैतूल जिले में पुलिस प्रशासन का खौफ अपराधियों के बीच से खत्म हो चुका है। बैतूल से नितिन अग्रवाल की खास रिपोर्ट। बच्ची की मम्मी ने रिपोर्ट किया कि 11-12 बजे के बीच ही बच्ची सामने वाले घर पर खेलने गई थी, गोलू ने उसके साथ गलत की है, उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया है SDA ने और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। सर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है? 376 AB और 5-6 पास्को एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। गिरफ्तार किया बस यही बोले, क्योंकि वो उनके भाई मिल गए थे हमको, तो बोले हम स्वयं ने गिरफ्तारी दी है, तो मतलब पूछ लेते हैं। कोई नहीं, भागा फिर रहा था उसको। हाँ, पकड़ के लाया। हाँ।